हेलो एवरीवन। सो एक अरसा बाद फिर आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम लेके आए हैं, जैसे कि अपकमिंग एग्जाम आप लोगों के आ रहे हैं काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट। सो क्लॉक टॉपिक का जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं। जितना ज़्यादा हो सके, शुरू करने से पहले ही वीडियो बता दे रहे हैं आपको, जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ 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 अपने दोस्तों से शेयर करिए इसको, ठीक है? जितना आप लोगों से बन पड़े अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, ताकि हमें भी लगे कि नहीं एफर्ट थोड़ा काम आया। ओके सो आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, और अपने एंड से एक लाइक ज़रूर कर देना, सेशन को बिल्कुल भी नहीं भूलना। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ याद रखिए, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस आप लोगों के क्लॉक से आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब जाहिर सा बात है कि एनटीपीसी सामने है, तो काफ़ी सारे बच्चे एनटीपीसी के लिए ही हमें बोले हैं। तो फंडामेंटल क्वेश्चन का मतलब है जो बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो रहता है कि आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर टाइम गिवन रहेगा और उस टाइम में आपको एंगल निकालना है, ठीक है? कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम में आपको आवर और मिनट हैंड के बीच में एंगल निकालना है। दूसरा चीज, कोई भी पर्टिकुलर एंगल जो है वो आपको गिवन रहेगा, और आपको बोलना है कि कौन से टाइम फ्रेम में ये एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है? आपको टाइम गिवन रहेगा जहां पे आपको एंगल निकालना होता है, दूसरा वाला आपको एंगल गिवन रहेगा जहां पे आपको टाइम निकालना रहता है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेती है। ये दोनों के दोनों चीजें के लिए आपको दो लोगों के साथ डील करना है, एक है आप लोगों को आवर हैंड के साथ डील करना है, दूसरा है आप लोगों को मिनट हैंड के साथ, हाँ या ना? क्योंकि अगर आपको एंगल भी निकालना है तो भी आवर और मिनट हैंड के बीच में, अगर आपको टाइम भी बताना है तो भी कितना घंटा और कितना मिनट बना है वो बताना है, ठीक है? सो आवर और मिनट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक वाला घड़ी हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहला चीज है, जब आप एंगल की बात हो रही है, ठीक है, पहला टाइप हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, एंगल की बात अगर हो रही है तो सबसे पहला चीज यहाँ पे देख लेते हैं, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, मतलब एंगल यहाँ पे 360 डिग्री है, ठीक है? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब ही है कि एंगल यहाँ पे 360 डिग्री है। तो बात करते हैं सबसे पहले आवर हैंड को, ठीक है? सबसे पहले हम लेते हैं आवर हैंड को। तो ये जो कंप्लीट सर्कुलर पाथ है, ये जो कंप्लीट सर्कल है, इसको कवर करने के लिए आवर हैंड को कितना घंटा लगता है? ये पूरा सर्कुलर पाथ एक बार कवर हो जाएगा तो 360 डिग्री कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब आवर हैंड पूरा 12 आवर कवर कर लेगा, तो वो यहाँ पे 360 डिग्री कंप्लीट कर लेगा। अग्रीड एवरीवन? जो भी पॉइंट पे आपको डाउट रहेगा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को टैग करके नीचे कमेंट में बता देना कि मैम यही वाला पार्ट दोबारा रिपीट कीजिए, तो हम फिर दोबारा आपको कमेंट सेक्शन में जो है, या फिर शॉर्ट वीडियो जो है उसका बना के आपको समझा देंगे, ठीक है? तो आवर हैंड को पूरा सर्कल कवर करने के लिए कितना लगेगा? 12 से 12, पूरा 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा मतलब अब उसका 360 डिग्री कंप्लीट या कवर हो गया। तो इसका मतलब जब 1 आवर वो चलता है, अगर 12 आवर में वो चलता है टोटल 360 डिग्री, तो 1 आवर में वो आपका जाएगा 360 / 12, वो चलता है यहाँ पे 30 डिग्री। तो अगर हम आपको यहाँ समझाने जाए कि अगर हम आपको यहाँ पे समझाने जाए कि 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब आवर हैंड का ये वाला गैप है, अच्छे से समझिए आप लोग, 1 घंटा मतलब 3 बजा था 4 बजेगा तो आवर हैंड इतना ही दूरी जाएगा ना, 5 बजा था 6 बजेगा तो आवर हैंड इतना ही दूरी जाएगा। तो ये जो छोटा छोटा दूरी है, ये जो है, ये सारा जो है वो आवर हैंड कवर करने के लिए कितना कितना डिग्री कवर करता है, वो 30 डिग्री कवर करता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग सब कोई अच्छे से समझ गए, ठीक है? अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे डील करते हैं किसके साथ? हम लोग यहाँ पे डील करते हैं मिनट हैंड के साथ, ठीक है? सो अब मिनट हैंड को भी ये पूरा परिक्रमा करना है, पूरा चक्कर जो है वो कंप्लीट करना है। तो मिनट हैंड अगर ये पूरा कंप्लीट करता है ये सर्कुलर पाथ, तो वो 1 घंटा या 60 मिनट कंप्लीट करता है, ठीक है? क्योंकि मिनट हैंड एक सर्कल लगाएगा तो कितना, 1 बजा था 2 बजेगा, ठीक है? 1 से 2, तो मिनट हैंड का पूरा वहां पे सर्कल कंप्लीट हो गया। तो मिनट हैंड पूरा सर्कल कब कंप्लीट करता है? 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में
मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री का पूरा चक्कर लगा लेता है। तो 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री जाएगा? तो 1 मिनट में वो 360 डिवाइडेड बाय 60 सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, 1 घंटे में आवर हैंड जाता है 30 डिग्री, 1 मिनट में मिनट हैंड जाता है 6 डिग्री। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, हम अच्छे से आपको स्लोली समझा रहे हैं, अच्छे से समझिए आप लोग। अगर हम बात करें, मिनट हैंड 7 के ऊपर था और मिनट हैंड अब 8 के ऊपर गया। ठीक है, मिनट हैंड 7 के ऊपर था, मान के चलो टाइम था 2:35, उसके बाद टाइम बना 2:40। तो मिनट हैंड कितना कवर किया यहाँ पे? मिनट हैंड यहाँ पे 5 मिनट कवर किया। ओके, 2:35 बजा था, 2:40 हुआ, तो मिनट हैंड कितना कवर किया यहाँ पे? मिनट हैंड 5 मिनट की दूरी यहाँ पे कवर कर रहा है। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट में मिनट हैंड कवर कर रहा है 6 डिग्री की दूरी, तो 5 मिनट में मिनट हैंड यहाँ पे कितना कवर करेगा? 6:05 जा यहाँ पे वो 30 डिग्री की दूरी कवर करेगा। यहाँ तक सबको ही क्लियर हो? तो यहाँ पे देखो, 7 से 8 बजे का गैप हम आवर के लिए भी 30 डिग्री बताए थे और मिनट के लिए भी देखो वो 30 डिग्री ही निकला। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो एक चीज आप लोग यहाँ पे क्लियर हो गए कि अगर हम यहाँ पे एक क्लॉक लेते हैं, ओके, तो हर 5 मिनट की जो दूरी है वो आप लोगों का आवर हैंड की, जैसे ये 5 मिनट की दूरी है, ये 5 मिनट की दूरी है, ये 5 मिनट की दूरी है, ये आवर हैंड के हिसाब से देखो या फिर मिनट हैंड के हिसाब से देखो, ये आप लोगों का 30 डिग्री ही कहलाएगा। आई थिंक यहां तक आप सब कोई समझ गए। ठीक है, उतना तो कुछ हार्ड एंड फास्ट था नहीं, सारा आसान चीज था, तो आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं, 1 आवर जो है, ठीक है, 1 आवर जो है वहां पे आपका आवर हैंड जाता है, 1 आवर में कितना डिग्री? देखो यहाँ पे हम लिखे थे 1 आवर में आवर हैंड जाता है आप लोगों का 30 डिग्री। ठीक है, जो पिछला स्लाइड में समझाए थे बस उसको वही लिख रहे हैं हम। 1 मिनट में मिनट हैंड कितना जा रहा है? 1 मिनट में मिनट हैंड जा रहा है 6 डिग्री। ये आवर हैंड के लिए हम लिखे हैं, अब ये मिनट हैंड के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, अब दूसरी समझने वाली बात यह है कि अगर हम आपको बोल रहे हैं कि घड़ी में अभी 3 बजे हैं, घड़ी में अभी कितना बजा है? 3 बजा है, तो आप लोग क्या करोगे? आप बोलोगे कि आवर हैंड 3 के ऊपर है, मिनट हैंड 12 के ऊपर है। ठीक है, तो आवर हैंड 3 के ऊपर है, मिनट हैंड 12 के ऊपर है, तो आप लोग यहाँ पे आराम से आप लोग एंगल निकाल सकते हो जो बेसिक वाला डेटा हम बताए थे। पर वही हम आप लोगों को अगर बता देंगे कि घड़ी में अभी 3:30 बजे हैं, 3:30 हुए हैं, तो अब आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे कि मैम 3:30 अगर हुआ है तो आप लोगों का जो मिनट हैंड है वो कंप्लीटली 6 के ऊपर रहेगा। 3:30 बजे हैं तो जाहिर सा बात है जो मिनट हैंड है वो कंप्लीटली 6 के ऊपर है, पर जो आवर हैंड है वो अब कहाँ चला गया? वो 3 और 4 के बीच में कहीं चला गया। ठीक है, 3:30 जब बज गए तो जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के बीच में कहीं चला गया, ये 5 मिनट का जो दूरी है यहीं पे कहीं रह गया। अब मुद्दे की बात ये है कि आप जब एंगल निकालोगे तो जाहिर सा बात है ये जो 3 और 4 के बीच में कहीं पे ये इंक्लाइंड है, इसको तो आपको कवर करना ही है ना। ठीक है, इसको तो आपको नोटिस में लेना है। अब ऐसा तो नहीं कि आवर हैंड पूरा शार्प 3 के ऊपर है, नहीं, आवर हैंड जब 3 बजा था तब आवर हैंड शार्प 3 के ऊपर था, जब 3:05 हुआ तब आवर हैंड थोड़ा सा 3 से इंक्लाइंड हुआ, 3:10 में थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हुआ, 3:15 में और थोड़ा ज्यादा इंक्लाइंड हुआ, 3:30 में आपको करीब करीब वो कुछ 3 और 4 के बीचों बीच दिखाई पड़ा, 3:45 में ये इंक्लिनेशन और बढ़ने लगा, 3:55 में आपको तो वो एकदम से 4 के ऊपर बैठा हुआ दिखा। कहने का मतलब ये है कि मिनट हैंड जितना ज्यादा दूरी तय कर रहा है, आवर हैंड उतना ज्यादा ज्यादा अपने जगह से फिसलता जा रहा है। ठीक है, मिनट हैंड की दूरी जितनी ज्यादा बनती जा रही है, आवर हैंड जो है वो अपने जगह से उतना ज्यादा ज्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आप लोगों का फिसलन है या फिर जो ये सरक रहा है,
इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग डेविएशन बोलेंगे, ठीक है, ये हम बोलेंगे डेविएशन है। तो डेविएशन जो है वो किसका हो रहा है, वो आवर हैंड का हो रहा है। आवर हैंड अपने ओरिजिनल जगह से डेविएट हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, वो अपने गर्लफ्रेंड मिनट हैंड की वजह से डेविएट हो रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि नहीं तुमसे ज्यादा दिन हम दूर नहीं रह पाएंगे, ओके। तो मिनट हैंड जितना दूरी जा रहा है, आवर हैंड अपना पूरा मतलब जी जान लगा के उसके करीब जाने की कोशिश कर रही है, समझ गए यहाँ तक। तो अब वो डेविएशन हमको निकालना है, तो डेविएशन हम लोग कैसे निकालेंगे देख लो। हम बोले थे 1 आवर जो है, 1 घंटे में आवर हैंड 30 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 60 मिनट में, 60 मिनट में, देखो बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये आवर हैंड का डेटा है, ठीक है। 60 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 360 डिग्री जा रहा था। मिनट हैंड की अगर बात करें तो मिनट हैंड जो है ये 60 मिनट में पूरी तरह से 360 डिग्री कवर कर लेता था, पर आवर हैंड को अगर हम बोले तो ये 60 मिनट में सिर्फ 30 डिग्री कवर कर रहा है। तो हर 1 मिनट में आवर हैंड कितना कवर करेगा, 30 डिवाइडेड बाय 60, सिर्फ हाफ डिग्री कवर करेगा वो। यहां तक सब लोग क्लियर हो गए, ओके। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेविएशन, मतलब मिनट हैंड जितना डिग्री, जितना मिनट जाएगा उसी हिसाब से हाफ मल्टीप्लाई कर करके आप आवर हैंड का मूवमेंट देखोगे, ओके। तो मैम ये तो थियोरेटिकली समझ गए, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करें, तो प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप लोग आराम से देख सकते हो। नाउ दिस इज अ क्लॉक, ओके, ये हो गया आप लोगों का क्लॉक। अगर हम बोलेंगे कि अभी आप लोगों का जो घड़ी है इसमें 3 बजा हुआ है, तो 3 बजा हुआ है मतलब आवर हैंड 3 के ऊपर, मिनट हैंड 12 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो आप कोई भी एक टाइम ड्रॉ कर लो, कोई भी अपने मन से, वो क्लॉक जो है हमेशा 2 एंगल में डिवाइड होगा, एक बड़ा वाला दिखेगा या कोई छोटा वाला एंगल दिखेगा। एग्जाम में देख लेना कौन सा एंगल वाला आपको ऑप्शन में दिया गया है, ये दिमाग में बिल्कुल मत चलाना कि मैम अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हो, नहीं, कोई एक ही दिया गया होगा, ठीक है। तो अगर मैं 3 बजे की बात करूं तो 3 बजे आप लोगों का जो आवर हैंड है, जो आवर हैंड है ये 3 के ऊपर रहेगा, जो मिनट हैंड है ये आप लोगों का 12 के ऊपर रहेगा। अच्छे से समझो, देखो यहाँ पे मिनट में कुछ वैल्यू नहीं है, मतलब मिनट हैंड कोई भी दूरी तय किया नहीं है, मिनट हैंड कहीं गया ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। तो आवर हैंड जो है वो 3 के ऊपर, मिनट हैंड 12 के ऊपर, हम आपको बताए थे ये हर एक गैप जो है ये 30 डिग्री का है, वो चाहे आप आवर हैंड से लो या चाहे आप मिनट हैंड से लो। तो 12 से 3 के अंदर कितना गैप है, 1 2 3 गैप है, तो 3 गैप मतलब 3 बजे का जो एंगल है ये आप लोगों का 90 डिग्री कहलाएगा। या फिर टोटल एंगल कितना था, टोटल एंगल 360 डिग्री था, तो 360 डिग्री से आप लोग अगर 90 माइनस कर लोगे, 360 से अगर आप लोग 90 माइनस कर लोगे तो ये आ गया आप लोगों का 270 डिग्री, ठीक है। तो 3 बजे आवर और मिनट के बीच में एक 90 डिग्री वाला एंगल बनता है, आवर और मिनट के बीच में एक 270 का भी एंगल बनता है, ऑप्शन में जो रहे आप उसके साथ आराम से मूव कर सकते हो। यहाँ तक आप लोग समझ गए। वैसे हम आपको बोलेंगे 2 बजे में एंगल कितना फॉर्मेशन होता है, आप तुरंत से बोलोगे मैम 2 बजे जो है वो गैप 2 रहता है तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा, या फिर 360 से आप 60 माइनस करोगे तो मैम एक 300 डिग्री का एंगल भी बनता है। अगर हम आपको बोलेंगे 6 बजे कितना एंगल बनेगा, तो 6 बजे आप दोनों तरफ से कहीं पे भी देख लो तो आप लोगों को कितना गैप मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 गैप मिल जाएगा, तो 6 × 30 मतलब आप लोग कोई भी साइड से देख लो 180 डिग्री ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 360 से अगर आप लोग 180 माइनस करोगे तो वो भी आप लोगों को 180 डिग्री ही देगा, ओके। वैसे आप लोगों बोलेंगे मैम 9 बजे कितना है, 9 बजे आप लोग बोलोगे मैम 9 से 12 अगर देखते हैं तो यहाँ पे 3 गैप है, 3 गैप मतलब 90 डिग्री बनेगा, या फिर अगला वाला आप लोगों का 360 डिग्री माइनस 90, 270 डिग्री का गैप बनेगा, समझ गए सब कोई, ओके। तो यहाँ पे आप लोग जो भी टाइम देख रहे हो, देखो यहाँ पे मिनट हैंड में कोई मूवमेंट नहीं है, मिनट हैंड में कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, मिनट हैंड कहीं गया ही नहीं, वो 0-0 पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे डेविएशन वाला वो कॉन्सेप्ट क्लियर क्रिएट ही नहीं हो रहा है,
ओके तो डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्रिएट होगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे आराम से देख लो। अगर हम आपको बोलते हैं, सपोज मान के चलो अगर हम आप लोगों को बोलते हैं कि टाइम जो है ये आप लोगों का बना है 3:15, घड़ी में टाइम कितना बना है 3:15, तो पहले हम रफ में अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम बोलेंगे मैम आवर हैंड जो है ये 3 पे रहना है और मिनट हैंड भी जो है ये 3 पे रहना है। अगर दोनों 3 पे रह रहे हैं तो दोनों एक ही जगह पे है तो एंगल 0 होना है। ये क्या था, ये हमारा रफ कैलकुलेशन था, ठीक है। पर हम जैसे अभी आपको समझाए मिनट हैंड कितना मिनट गया है 15 मिनट, और हम समझ चुके हैं कि मिनट हैंड अगर 1 मिनट भी जाता है तो आवर हैंड अपने ओरिजिनल जगह से 1/2 डिग्री इधर उधर हो जाएगा। मिनट हैंड के 1 मिनट के मूवमेंट पे आवर हैंड अपने ओरिजिनल जगह से 1/2 डिग्री इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे मिनट हैंड अगर 15 मिनट गया है तो आवर हैंड क्या होगा, 15 × 1/2 तो कहाँ जाएगा, ये 7.5 डिग्री इधर उधर हो जाएगा। तो अब देखो मेरा जो रफ कैलकुलेशन था वो 0 डिग्री का था, तो या तो मैं अपने रफ कैलकुलेशन में वो डेविएशन को प्लस करूंगी, या तो मैं उस रफ कैलकुलेशन से उस डेविएशन को माइनस करूंगी। ओके कि एंगल जो है वो उस डेविएशन की वजह से अगर बड़ा बनेगा एंगल तो मैं प्लस करूंगी, पर उस डेविएशन की वजह से अगर एंगल छोटा हो जा रहा है मेरा तो मैं वहां पे माइनस करूंगी। पर यहाँ पे मेरा रफ कैलकुलेशन 0 है, अगर आप 0 से 7.5 को माइनस करोगे तो मेरा एंगल का वैल्यू जो है वो नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सा बात है मैं यहाँ पे 0 पे क्या करूंगी, 7.5 को प्लस कर दूंगी और मेरा एंगल का वैल्यू जो है वो 7.5 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 3:15 है यहाँ पे ओरिजिनल एंगल आवर और मिनट के बीच में कितना क्रिएट होता है, 7.5 डिग्री का क्रिएट होता है। वैसे ही अगर मैं बोलती हूँ 4:20, तो आप फिर से वहां पे क्या बोलोगे, मैम रफ के हिसाब से 0 डिग्री होना चाहिए था, पर 20 मिनट के लिए आवर हैंड कितना जाएगा, 20 मिनट के लिए आवर हैंड 20 × 1/2 10 डिग्री इधर उधर होगा। तो यहाँ पे 0 से माइनस नहीं कर सकते, 0 प्लस आपका 10 डिग्री, टोटल वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री का, ठीक है। वैसे ही अगर अब आपको 5:25 हम बताते हैं, आप वहां पे क्या करोगे, तुरंत 0 डिग्री होना था तो 25 का आप यहाँ पे गुना कर लोगे हाफ से, तो ये हो जाएगा आपका 12.5 डिग्री। ओके ये जुबानी ही अब बन जाएगा क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अब यहाँ पे पेन पेपर एग्जाम में चलाना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन देखे सेकेंड्स में आंसर बन गया। अगर मैं आपको बोलती हूँ 9:45 हुए हैं, तो आप वहां पे क्या करोगे, आप देखोगे कि 9 9 के ऊपर होना था 0, तो 45 में आप क्या करोगे हाफ गुना करोगे, तो 45 से हाफ गुना करते हो तो 22.5 डिग्री बन जाता है आप लोगों का। यहाँ तक क्लियर हो गए आप लोग, अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्या बताता है आराम से देख लीजिए, ठीक है। आराम से समझा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके दोबारा चला के आप लोग आराम से चेक करना, कहीं पे भी दिक्कत हो हमको तुरंत से आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना। अब अगर सपोज हम बोलते हैं कि 6:15 हुआ है घड़ी में, ओके अब समझो अच्छे से, 6:15 का मतलब क्या बनता है, 6:15 का मतलब बनता है कि रफ में अगर देखें तो आवर हैंड 6 के ऊपर और रफ में हम देखें तो मिनट हैंड जो है वो 3 के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम रफ में यहाँ पे 6 और 3 देखते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 6 और 3 के बीच का जो गैप है उसको चेक करेंगे। तो 6 और 3 के बीच का गैप जो है मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, 1 2 3 का गैप। तो रफ में मेरा बन रहा था 30 डिग्री, सॉरी तो 30 × 3 हो गया आप लोगों का 90 डिग्री। ओके तीन गैप था और हर एक गैप 30 डिग्री का, तो 30 × 3 90 डिग्री मेरा रफ में बन रहा था। फिर हम समझे हैं कि मिनट हैंड जो 15 मिनट गया है, आवर हैंड कितना डिस्टर्ब होगा, 15 × 1/2 7.5 डिग्री वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो ये 7.5 डिग्री के वजह से आवर हैंड कहाँ जाएगा, आवर हैंड 6 से 7 की तरफ जाएगा, क्योंकि 6:15 के बाद का जो सिक्वेंस है वो तो 7 बजने को है ना, तो आवर हैंड जो है वो 6 से 7 की तरफ जाएगा। इसका मतलब मेरा जो रफ कैलकुलेशन या मेरा जो रफ ड्राइंग था उसका एंगल अब एक्सपैंड कर रहा है,
मेरा रफ ड्राइंग का छोटा सा एंगल था, अब ये एंगल एक्सपैंड कर रहा है इतना। ठीक है, हम आपको बोले थे कि डेविएशन के वजह से अगर मेरा एंगल छोटा पर जा रहा है तो मैं उस डेविएशन को माइनस करूंगी, पर डेविएशन की वजह से अगर मेरा एंगल बड़ा बन जा रहा है तो मैं वहां पे क्या करूंगी, प्लस करूंगी। तो मेरा रफ कैलकुलेशन 90 डिग्री का था, डेविएशन की वजह से मेरा एंगल जो है वो अब ज्यादा बन जा रहा है, तो 90 प्लस 7.5 मेरा एक्चुअल आंसर हो जाएगा 97.5 डिग्री। ओके बच्चा पार्टी, कॉन्सेप्ट समझो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आपको, आराम से कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। ओके 6:15 का जैसे आप लोग देख लिए, अब देखो 3:30 बजे का क्या कॉन्सेप्ट बनता है। ओके अब हम कॉन्सेप्ट किसका बनाएंगे, 3:30 बजे का, 3:30 का कॉन्सेप्ट बनाएंगे। तो 3:30 का आप लोगों का अगर रफ डायग्राम बनाते हो तो आवर हैंड आप लोगों का 3 पे होना है और मिनट हैंड जो है यह आप लोगों का 6 पे होना है। ओके अब आवर मिनट को 6 और 3 में रखो, फिर से आप लोग बोलोगे मैम 30 × 3 यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए था, यहाँ पे भी 90 डिग्री होना चाहिए था। पर यहाँ पे अच्छे से एक चीज देखने की कोशिश करो बच्चा पार्टी, यहाँ पे मिनट हैंड 6 पे है, आवर हैंड 3 पे है। अब यहाँ पे डेविएशन कैसे, यहाँ पे आप लोग देखोगे डेविएशन 30 मिनट के लिए क्या होगा, 30 × 1/2 का डेविएशन, और ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री आवर हैंड जब डेविएट करेगा वो 3 से 4 की तरफ आएगा। ठीक है, वो 3 से डेविएट करके 4 की तरफ आएगा। ओके तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग देख लो कि मेरा जो रफ कैलकुलेशन था वहां से मेरा जो ओरिजिनल कैलकुलेशन बन रहा है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ से थोड़ा सा कम हो जा रहा है। मेरा रफ कैलकुलेशन 3:30 बजे का कुछ इस तरह से था, अब जो ये डेविएट हो गया अब मेरे एंगल को ये छोटा कर रहा है। हम समझाए थे जब डेविएशन के वजह से एंगल मेरा छोटा बन रहा हो आप तुरंत से क्या करोगे, 90 − 15 कर लोगे और मेरा आंसर यहाँ पे जल्दी से आ गया कितना, 75 डिग्री। समझ गए सब लोग? ओके हम दोनों ही आपको बारीकी से समझा दिए। जब आप लोग 6:15 किए थे कुछ इस तरह से था, ये 6:15 15 मिनट के वजह से ये आवर हैंड ऐसे एक्सपैंड कर रहा था, तो ये यहाँ से एक्सपैंड किया तो इसी वजह से ये प्लस हुआ। जब आप 3:30 बनाए तो 3:30 में कुछ ये इस तरह से किस्सा था। ओके तो यहाँ पे आवर हैंड जब इधर आया तो मेरा ये एंगल जो है ये बड़ा था, अब छोटा दिखने लगा, छोटा दिखा इसी वजह से हम माइनस किए। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे रहा। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 2:20 का एंगल कमेंट सेक्शन में बताना, 8:30 का एंगल कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को, और 9:40 का एंगल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ये तीनों का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। जब अगला वीडियो अपलोड करेंगे या फिर कमेंट सेक्शन में ही हम आपको बता देंगे कि किस किस का आंसर करेक्ट है और किस किस का आंसर रॉन्ग है। ओके अब एंगल निकालने का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा पार्टी? अगर सपोज मान के चलो हम आपको बोलते हैं टाइम जो है वो आप लोगों का 9:37 हुआ है। ओके जैसे आप लोगों को 9:45 दिखा, 9:35 दिखा, वैसे ही 9:37 में तो दिखेगा ना। तो यहाँ पे चीज क्लियर हो जाओ कि 9:35 को जैसे आपको हम समझा रहे हैं धीरे धीरे, तो 9:35 आपको दिख रहा है, 9:35 से और 2 मिनट हम एक्स्ट्रा लिए हैं, यही है ना 9:37। ओके अब ये मत बनाना कि मैम 9:35 से 2 मिनट प्लस करेंगे, नहीं, 2 मिनट प्लस करना है या माइनस करना है ये आप लोग मिनट हैंड का मूवमेंट देख के बनाओगे। क्या बोले मैम, समझ नहीं पाए? अब समझाते हैं हम। 9:35 का अगर आप सिनारियो देखते हो तो 9:35 का कुछ इस तरह से सिनारियो बनता है। ठीक है, तो ये कितना गैप है, 2 गैप है, 2 गैप का मतलब 60 डिग्री। अब ये 2 मिनट्स कौन मूव करेगा, ये 2 मिनट्स आप लोगों का मिनट हैंड मूव करेगा, और आप लोगों को पता है 1 मिनट में मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री जाता है, तो 2 मिनट में ये 12 डिग्री जाएगा। अब देखो ये 12 डिग्री जो जाएगा, 37 कहाँ है, यही बीच में कहीं आएगा, ये 12 डिग्री जब आप लोगों का मूव करेगा, देखो सेम चीज है,
9:35 का एंगल जो था वो बड़ा था, 9:37 की वजह से वो एंगल अब छोटा होने लगा है। तो अब आप यहाँ पे 2 मिनट जो है उसको प्लस नहीं करके माइनस करोगे, ठीक है? क्योंकि हम आपको बोले हैं जब भी आवर और मिनट हैंड आपस में क्लोज होने आएंगे आप हमेशा वहां माइनस करोगे, जहां वो लोग दूर जाने लगे, फार जाने लगे, आप वहां पे उनको प्लस करोगे, ठीक है? ओके, अब देखो यहाँ पे 9:35 का मेरा जो रफ डायग्राम था, 9:37 की वजह से वो डायग्राम छोटा होने लगा। तो छोटा अगर हुआ तो यहाँ पे मेरा रफ कैलकुलेशन, ठीक है, 9:37 का रफ कैलकुलेशन कितना हो गया मेरा? 9:37 का रफ कैलकुलेशन हो गया 48 डिग्री, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो? फिर 37 मिनट के लिए आवर हैंड मूव करेगा, कितना मूव करेगा? 37 × 1/2। 1 मिनट के लिए वो जाता है कितना? 1 मिनट के लिए वो वहां पे मूव करता है आप लोगों का 1/2 डिग्री। तो 37 मिनट के लिए वो कितना मूव करेगा? 37 मिनट के लिए वो मूव करेगा 37 × 1/2, और वो कितना है? वो है 18.5 डिग्री। 18.5 डिग्री। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, आवर हैंड जब 18.5 डिग्री जाएगा वो 9 से 10 की तरफ जाएगा, मतलब अब वो एक्सपैंड करेगा। एक्सपैंड करेगा मतलब आप यहाँ पे 18.5 डिग्री को ऐड करोगे, ठीक है? आप यहाँ पे क्या करोगे? ऐड करोगे, क्योंकि वो मेरा जो रफ कैलकुलेशन वाला एंगल था वो उसको बड़ा कर रहा है, ठीक है? तो आप लोग 48 के साथ यहाँ पे क्या करोगे? 18.5 को ऐड करोगे और आंसर आ जाएगा 66.5 डिग्री, ठीक है? आपको बेसिक हम समझा रहे थे, इसी वजह से स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। आप जब क्लियरली समझ जाओगे तो 9:37 का डायरेक्ट रफ वैल्यू 48 निकलेगा और डेविएशन का वैल्यू 18.5 निकलेगा, आप दोनों को सम कर लोगे, ओके? इस तरह से और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और एक क्वेश्चन सपोज आपको बोला है, सपोज आप लोगों को बोला है 6:22 का आपको एंगल निकालना है, तो आप बोलोगे मैम क्या करेंगे, 6:20 ले लेंगे, 6:20 से और 2 मिनट एक्स्ट्रा है। अगेन वही चीज देखो, अगर आप 6:20 यहाँ पे ले रहे हो तो 6:20 का रफ कैलकुलेशन कितना है? 60 डिग्री। 2 मिनट जो है वो मेरे रफ एंगल को, 6:22 मतलब कुछ इस तरह से दिखेगा, वो मेरे रफ कैलकुलेशन को छोटा कर रहा है। तो छोटा कर रहा है मतलब 2 × 6 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट मिनट हैंड का है, तो 2 × 6 डिग्री मतलब 12 डिग्री में माइनस करूंगी, ओके? तो 60 से अगर मैं 12 डिग्री माइनस कर रही हूँ तो मेरा 48 डिग्री आ रहा है, ओके? अब 22 मिनट के लिए कौन मूव करेगा? आवर हैंड मूव करेगा। कितना मूव करेगा? 22 × 0.5, हाफ, ठीक है? 22 × 1/2 मतलब कितना? 11 डिग्री। आवर हैंड 11 डिग्री मूव करके 6 से 7 के बीच में कहीं एक आके फंसेगा, तो ये एंगल अब मेरा फिर से एक्सपेंड करेगा, तो 48 + 11 आंसर मेरा हो जाएगा 59 डिग्री। क्लियर हो अच्छे से यहाँ पे? आई विश आप लोग सबको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गए ये वाले पे, सबको समझ आया ये वाला? क्लियर हो सबको ही? ओके, अब और एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चा पार्टी। हम आपका डाउट अपने बेस्ट लेवल पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। अगर नहीं हुआ तो आराम से बिंदास कमेंट सेक्शन पे लिखना, मैम रिपीट करिए, हम नहीं समझ पाए, ओके? अब यहाँ पे देखो, अगर हम आपको बोलते हैं कि टाइम जो है ये आप लोगों का बना है 3:27, तो देखो यहाँ पे 3:27 मतलब आप बोलोगे कि मैम 3:25 लेंगे, फिर उसके बाद और 2 मिनट लेंगे। तो अब यहाँ पे आप देखो 3:25 मतलब कुछ इस तरह से था 3:25, अब 3:27 मतलब अब ये मेरे रफ डायग्राम को बड़ा बना रहा है, तो यहाँ पे आप प्लस करोगे। 3:25 का रफ कैलकुलेशन कितना था? 3:25 का रफ कैलकुलेशन 60 डिग्री था, 2 मिनट मतलब और 12 डिग्री, ये हो गया मेरा 72 डिग्री, क्या रफ कैलकुलेशन। 27 मिनट के लिए आवर हैंड कितना जाएगा? ये जाएगा 13.5 डिग्री। अब ये 13.5 डिग्री आवर हैंड को 3 से 4 के बीच में कहीं लाएगा, मतलब मेरा जो एंगल है वो यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है? मेरा जो 3 27 का एंगल था कुछ इस तरह से था,
अब 3 से 4 की तरफ अगर आएगा तो जाहिर सा बात है मेरा ये एंगल जो है वो छोटा हो रहा है, तो छोटा हो रहा है तो मैं क्या करूँगी, 72 से माइनस करूँगी, कितना 13.5 डिग्री। आई विश आप सब लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ आ रहा है कि कहाँ पे प्लस करना है और कहाँ पे माइनस करना है। सब लोग क्लियर होने के बाद हमें एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना। सो 72 से अगर आप 13.5 माइनस कर रहे हो, ये मेरा वैल्यू आ रहा है 58.5 डिग्री, तो 327 में जो है वो एंगल मेरा कितना बन रहा है, 58.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप ये अच्छे से समझ गए तो 2:19 का एंगल कितना होगा, 7:24 का एंगल कितना होगा और 10:31 का एंगल कितना होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमें। ओके और इसका पार्ट टू जो है हम अभी 1-2 दिन के अंदर पार्ट टू और पार्ट थ्री करके पूरा क्लॉक आप लोगों का जो है वीडियो वो बना देंगे। इसके बाद आप लोगों का अपकमिंग कौन से टॉपिक का जो है वो वीडियो टॉपिक चाहिए जरूर बताना हमें, हम उस हिसाब से सारे टॉपिक के वीडियो क्लासेस जो है वो एक बाय एक करके लाते रहेंगे। आई विश आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, सपोर्ट करते रहना सो दैट कि हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है वो बना सके। थैंक यू एवरीवन।